जूम इसको देखो। डिजाइनर वेंडल रॉड्रिक्स, बीना रमानी और नफीसा अली जैसे सेलेब्स पहुंचे दिल्ली में शोकेस हुए एक रूरल कलेक्शन में। इस कलेक्शन का मकसद था इंडियन हेरिटेज और रूरल आर्ट को प्रमोट करना, लेकिन इसके साथ मनाया गया जश्न नेचर और वाइल्ड लाइफ पार्क ओपनिंग्स का भी। इंडियन डिजाइनर्स के कंटेम्प्रेरी स्टाइलिंग और ट्रेंड सेटिंग कलेक्शंस होते हैं काफी पॉपुलर, लेकिन एक रूरल कलेक्शन की पेशकश में शरीक हुए इन डिजाइनर्स का मानना है कि उनके यूनिक डिजाइंस का क्रेडिट जाता है रूरल आर्टिस्ट्स को। I go to a crafts museum all the time, and wherever there's a craftsman's show, and it amazes me every time जब मैं देखती हूँ कि ये ट्रेडिशनल आर्टिसंस को कितनी मॉडर्न आर्ट की टेक्निक्स की, ज्योमेट्रिक डिजाइंस, contemporary straight lines वगैरह बहुत ही अच्छे वहीं से आइडियाज़ हम सीखते हैं। Because I believe that the weavers in this country and especially in Assam need to be supported and to take their product forward. मैं सिर्फ हिंदुस्तान ट्रैवल कर रही हूँ और बहुत सारे वीवर्स और बहुत सारे मास्टर क्राफ्ट्समैन को मिल चुकी हूँ, तो मेरे लिए इसके सिवा तो और कुछ है ही नहीं। दो कल्चर्स का संगम करना हो तो आर्ट से बेहतर जरिया शायद ही दूसरा कोई हो। दिल्ली में नेचुरल फैब्रिक से नेचर के इस सफर को इन सेलेब्स ने मनाया एक ट्राइबल डांस के साथ, और इनके लिए ये रहा काफी दिलचस्प अनुभव। मैं तो वहाँ गई थी अफ्रीकन सफारी पे, क्योंकि मेरा दोस्त का दो रिजॉर्ट्स है, वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट्स, तो मुझे तो वैसे भी जानवर बहुत पसंद है। I booked my holidays for this year, but next year I will. पेज 3 की मौजूदगी, अफ्रीकन कल्चर का टेस्ट और रूरल कलेक्शन का प्रमोशन, इस सब शाम को खूबसूरत बनाने का क्रेडिट चाहे जो भी ले, लेकिन एक बात तो तय रही कि दिल्ली वासियों ने इस पूरे माहौल का खूब लुत्फ उठाया। पेज 3 दिल्ली। क्या है हॉलीवुड का हाल, कहाँ हो रहा है एक्सक्लूसिव रेड कार्पेट प्रीमियर, तो कौन आया स्टार स्टारडेड इवेंट पर, कौन सी फिल्म हुई रिलीज, तो किस फिल्म में है कौन, सब हमारे इंटरनेशनल न्यूज सेगमेंट में। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हॉलीवुड को बेसब्री से इंतजार था। रोल हुआ रेड कार्पेट और घोषणा हुई फिल्मों के सबसे बड़े अवार्ड्स ऑस्कर की, और यहाँ पर बेस्ट फिल्म रही लियोनार्डो डिकैप्रियो की द डिपार्टेड। पर लियोनार्डो चूक गए बेस्ट एक्टर का खिताब पाने से, जो की झोली में आया फिल्म द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड के एक्टर फॉरेस्ट व्हिटेकर को। इट इज पॉसिबल फॉर अ किड फ्रॉम ईस्ट टेक्सास रेज्ड इन साउथ सेंट्रल एलए एंड कार्सन हु बिलीव्स इन हिज ड्रीम्स commits himself to them with his heart to touch them and to have them happen। अब जब किंग को मिले अवार्ड तो क्वीन भला कैसे पीछे रह सकती हैं। द क्वीन एक्टर हेलेन मिरेन ने पेनेलोपी क्रूज जैसे दावेदार को पछाड़ जीती बेस्ट फीमेल एक्टर की ट्रॉफी। 50 years and more, Elizabeth Windsor has maintained her dignity, her sense of duty, and her hairstyle. She's had her feet planted firmly on the ground, her hat on her head, her handbag on her arm, and she's weathered many, many storms. And I salute her courage and her consistency. मगर ये ऑस्कर सबसे खास रहा अपनी पहली ही फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड पाने वाली जेनिफर हडसन के लिए। जहां हर अवार्ड्स के अनाउंसमेंट पर नॉमिनीज का दिल धड़क रहा था, वहीं सेलॉन डियो ने अपने परफॉर्मेंस से बांधा एक खूबसूरत समा। खुशियां, जीत और बढ़ती उम्मीदें अपने साथ सब कुछ लाया ये ऑस्कर, वाकई हाल फिलहाल में हुए हॉलीवुड अवार्ड्स में सबसे बड़ा। Bureau Report, Page 3. For all the updates on Page 3 News, SMS Page 3 to 8888. शाहरुख खान ने दोस्ती निभाई मगर फर्ज नहीं। उनके दोस्त विशाल और रमन उनकी फिल्म ओम शांति में नजर आएंगे और उन्होंने इस फिल्म के लिए काम किया पूरे 4 दिन, मगर दोनों का कहना है कि इसके लिए शाहरुख ने उन्हें उनकी फीस नहीं दी। फिल्म की डायरेक्टर फारा खान कहती हैं कि ये दोनों शाहरुख और उनके अच्छे दोस्त हैं और उनके मुताबिक विशाल और रमन को एक्टिंग के लिए फारा को पैसे देने चाहिए। क्या इसे ही कहते हैं दोस्ती निभाना? For gossip, news, views, scandals, controversy, scoops and tantrums, keep watching Page 3 only on Zoom. इसको देखो।